एसडीएम सदर गौरव सिंह सोरवाल ने रविवार को महानगर में लगाए गए 22 कोरोना जांच शिविर केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोरवाल ने जांच केंद्रों पर उपस्थित आशा और एनएम को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक जाँचों और पॉजिटिव आने वालों का ब्लड सैंपलिंग लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जाँच से ही हम कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। एसडीएम सदर ने कहा कि अभी भी बहुत लोग कोरोना बीमारी से अनजान है, आप लोग उन लोगों को घर घर जाकर कैंप के बारे में बताएं जिससे कि अधिक से अधिक जांच करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एसडीएम सदर ने बताया कि कोरोना की लगातार टेस्टिंग से कोरोना संक्रमितों का ग्राफ गिरा है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा शासन का दिशा निर्देश तो आपको पता ही है, ये हाई प्रायोरिटी है, आप लोगों का सहयोग बड़ा अपेक्षित है और अन्य जगहों के पार्षद काफी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आने के सिलसिले में थोड़ा सा एक बार और कुछ करने की जरूरत है आपकी, ना है ना, आप काफी सपोर्टिव भी मैंने बताया, काफी आपको अच्छा वो मिला है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ कीजिए इसको, ना थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है सर, और कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, ठीक है। मैं बोल दिया अब देखो क्या है कि स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स आप थोड़ा कुछ तो लेके आएंगे ना, जब घर घर जा रहे थे तो कुछ लोगों को ले आएंगे, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा मैडम, जैसे मान लीजिए आज पॉजिटिव कोई व्यक्ति आया, कितने पॉजिटिव आए आज, एक भी नहीं आया, चलो अगर मान लो कोई पॉजिटिव आता है, मान लीजिए एक या दो पॉजिटिव आता है, तो उस पॉजिटिव का नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि एक इशू ये आ रहा था कि पॉजिटिव व्यक्ति मिल नहीं पाते, आरटीटी जो वेट करने जाती है ना, क्योंकि वो अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर सही नहीं देते, क्योंकि भाई हमें भले ही और लोगों का ना मिले, मतलब और मतलब नहीं कोई भी घर आके चला जाए, लेकिन जो पॉजिटिव आ जा रहा है ना, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस उसको अलग कर लीजिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस तुरंत उसको वेरीफिकेशन कर रहे हैं, ताकि ये हो जाए कि वो मिसिंग ना हो, है ना, ये जरूर हमें काम करना है। एक तो काम ज़्यादा तो पॉजिटिव होंगे नहीं, 3-4-5 जो भी है तो उसको तुरंत फोन करके भाई हाँ वेरीफाई कर लीजिए खुद ही कि भाई ये पॉजिटिव है और इसका हो जाए, एक तो काम ये करना है मैडम। और दूसरा जो पॉजिटिव हो रहे हैं उसको हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ले रहे हैं 40+ 50 के रहे, नहीं वो हमने बात कर ली 40+, वैसे ज़्यादा तो पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा तो कोई पॉजिटिव ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसमें 40+ है तो ले लीजिए, ये काम है बोल दीजिए बोलिया है वहाँ पे एक दिन हम कैंप लगवा देंगे अम्बेडकर हाँ, तो एक दिन जगह देख लीजिए, हम व्यवस्था करा देंगे, एक दो तीन दिन वहाँ पर करवा देते हैं, हाँ अभी एक साल के बाद गए ना, एक साल बाद गया हूँ ठीक गया तैयार, चलो वहीं चले वहीं लगा देंगे, ऐसे में दो चार जैसे आपको पता है ना लोकेशन पता है आपको, ऐसे से एक एक दो दो लोकेशन पर डल जाएगा ना मैडम, हो जाएगा कवर हो जाएगा वो ठीक रहेगा, आप बना लीजिएगा, आप बना लीजिए कहाँ कहाँ लगाना आप हमें बता दीजिए, हम व्यवस्था करा देंगे सर, जी सर चलिए आप बताइए, वह बता दिली निगेटिव में शहर में हम 22 अलग अलग जगहों पे कैंप लगाते हैं जहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से हम कोरोना जांच करवाते हैं। हमारा यहाँ पे रहता है कि जितने भी पॉजिटिव व्यक्ति मिलते हैं उन पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी लोग और जो जिनको लक्षण हैं वो सभी लोग यहाँ पे मुफ्त कोरोना जांच करा सकते हैं। हमारी आज जैसे आज यहाँ पे हरियाली मैरिज होम में अंधियारी बाग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर प्रतिमा इनके नेतृत्व में यहाँ पे शिविर लगा है और यहाँ पे मैं विजिट किया, शिवपुर सहवागंज में भी विजिट किया, नथनपुर इलाही बाग
बसंतपुर, सिविल लाइंस, बेतिहाता, तो लगभग 22 जगह पे, अलग अलग जगह पे शिविर लगता है। पर्पज़ हमारा ये है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग हो, अधिक से अधिक टेस्टिंग होगी तो ही हम इसको आइसोलेट कर पाएंगे। जो पॉजिटिव व्यक्ति हो जाता है उसको आइसोलेट करके और इसके संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक दवाई कोई बनी नहीं है। तो जाँच ही इसका इलाज है, जितनी अधिक जाँचें होंगी उतना जल्दी और उतना इफेक्टिव तौर पर हम इसको रोक पाएंगे। सर क्या स्थिति है अभी तक? अभी हमारी टेस्टिंग को लेकर अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। अर्बन में टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा ली है, पिछले सितंबर महीने में लगभग 80,000 से अधिक टेस्टिंग हुई थी और अक्टूबर का भी टारगेट हमारा 1,00,000 से अधिक केवल और केवल शहर में करने का है। तो गोरखपुर जनपद में आधे से अधिक जो टेस्टिंग हो रही है वो शहर में हो रही है और हमारा पूरा रेवेन्यू स्टाफ अमीन और हमारे पूरा हेल्थ स्टाफ आशा आंगनवाड़ी MYCs के माध्यम से हम इसको टेस्टिंग करा रहे हैं और गोरखपुर ने पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी टेस्टिंग की है और इसको और थोड़ा सा हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसीलिए हम थोड़ा घूम के थोड़ा आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं। सर जो पहले संख्या थी टेस्टिंग में पॉजिटिव आने की और अब की संख्या में कुछ अंतर है? हाँ, पॉजिटिविटी रेट है जो हम अगस्त में देखते थे और सितंबर में देखते थे, पॉजिटिविटी रेट सितंबर के फर्स्ट वीक में तो पॉजिटिविटी रेट होता था लगभग 12-13%, अभी हम देखते हैं कि ये 12-13% से घट के 5-6% हो गया है। तो बहुत सारे ट्रेंड बताते हैं, विश्व के ट्रेंड बताते हैं और अन्य राज्यों के जनपदों के ट्रेंड बताते हैं कि जहाँ पर टेस्टिंग अधिक हुई है वहाँ पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है। रीज़न इसका ये होता है कि जितना ज़्यादा टेस्ट कराएंगे उतना जल्दी हम इसको पहचान पाते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं, जिससे वो संक्रमण और अन्य व्यक्तियों में फैलने का खतरा खत्म हो जाता है। तो जितना अधिक टेस्ट कराएंगे और जितना जल्दी टेस्ट कराएंगे उतना जल्दी हम पॉजिटिव रेट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा रीज़न इसमें अधिक टेस्टिंग का है, जो हमारी पॉजिटिव रेट कम हुई है उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट करा रहे हैं ताकि पता चलते ही उसको आइसोलेट कर दिया जाए और संक्रमण को तोड़ दिया जाए।